हेलो स्टूडेंट, मैं सन प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 13। तो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसके सोल्यूशन के लिए जरा देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस सदिश का, इस सदिश और इस सदिश के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ गुणनफल 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखेंगे दिया गया सदिश मान लिया कि दिया गया सदिश क्या है, वेक्टर ए है, तो आई प्लस जे प्लस के कैप, इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लिया कि वेक्टर एक। और इसके बाद क्या कह रहा है, देखें सदिश इतने और इतने का योगफल, तो लिखेंगे अन्य दिए गए सदिश, तो मान लिया अन्य दिए गए सदिश वेक्टर बी बराबर, इसको मान लेते हैं, तो वेक्टर बी बराबर कितना लिख दें, 2i कैप प्लस 4j कैप अब माइनस 5k कैप, इसको दो, तथा वेक्टर सी इक्वल टू, इसको वेक्टर सी बना लेते हैं, वेक्टर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यह इक्वेशन 3। अब कह रहे हैं कि इन दोनों सदिशों का योगफल, तो पहले इन दोनों सदिशों का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देखेंगे कि इस तरह से 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा आई प्लस 2j और प्लस 3k कैप यहाँ पर। अब उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर देखें जोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 4, देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 6j कैप और माइनस 5k यहाँ पर है प्लस 3 यहाँ पर, यानी माइनस 2k कैप, इस तरह से ये क्या आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, वेक्टर डी है, इसको मान लिया कि माना यह वेक्टर कोई एक नया वेक्टर डी है, यहां पर लिख देंगे माना। तो अब वेक्टर डी का हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश, यानी वेक्टर डी का मात्रक सदिश निकालेंगे, तो डी कैप इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई, देखेंगे वेक्टर डी बटा मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर डी है, यहां पर जरा देखें डी कैप इक्वल टू, यहां से वेक्टर डी कितना आया, यहां पर आया है, इसको लिखेंगे 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन इसका मॉड, मॉड क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहां से d कैप आएगा, जरा देखें ऊपर से आएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, देखें अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जब यहां पर हम अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे, देखें इस तरह से आएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 4, इस तरह से। तो अब कह रहे हैं क्या, इसको बना लिया इक्वेशन
4। अब कह रहे हैं कि इस सदिश का इन दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब वेक्टर ए डॉट डी कैप इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो वेक्टर ए का मतलब आई प्लस जे प्लस के डॉट 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट हम लगा देते हैं इस तरह से, और ये डॉट प्रोडक्ट है और अपान में है अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36, और 4 को जब प्लस कर लेंगे तो यह हो जाएगा 16 प्लस 4, और इक्वल टू कितने के है? 1 के इक्वल है, क्योंकि इनका अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर जरा देखें जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस लेमडा, जे का जे के साथ जब गुणा करेंगे तो मिलेगा प्लस 6, के का के के साथ जब गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 2, अपान अंडर रूट में देखें कितना है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर और प्लस 40, और इक्वल टू कितना 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले लेते हैं और इसको देखें यहाँ पर 2 से कट जाएगा और आएगा लेमडा प्लस 6, तो लेमडा प्लस 6 और इक्वल टू इधर त्रिया किसका गुणा कर लेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40। इस तरह से आप करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर जरा देखिए वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 6 × 12 लेमडा, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, यह वर्ग अंडर रूट हट जाएगा और 2 प्लस लेमडा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40। इस तरह से लेमडा स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और 12 लेमडा में से 4 लेमडा जब माइनस करेंगे तो आएगा 8 लेमडा, और यहाँ पर है 40, इधर है 36, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर जरा देखें 40 और ये 4 44 और माइनस 36, ये लेमडा स्क्वायर दोनों साइड से क्या करेगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 12 लेमडा में से 4 लेमडा माइनस करेंगे 8 लेमडा, और 36 उधर ले चलेंगे 40 और 44 में से 36 को घटा देंगे तो 8 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इस तरह से यहाँ से लेमडा इक्वल टू 8/8 लेमडा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर सकते हैं।